हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। तो इस चैनल पर हम डिफरेंट डिफरेंट ये एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो जो हम इस पे जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, ये सभी के लिए जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ये राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, जी पैट, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम कोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके मैं 85 तक डिस्कस कर लिए थे मैंने, तो आज नेक्स्ट 86 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन ऑफ मीबेंडाजोल एंड थायबेंडाजोल इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये मीबेंडाजोल और थायबेंडाजोल क्या होती है? ये एंथेलमेंटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होती हैं ये, इनके अंदर बेंज इमिडाजोल रिंग होती है। मीबेंडाजोल और थायबेंडाजोल, इनमें ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें कौन सी रिंग है, तो याद रखना बेंज इमिडाजोल रिंग होता है। तो इसका जो क्या पूछा, मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन, ऑप्शंस हैं स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इंटरफेरेंस विद माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस एंड असेंबली, ब्लॉक थायमिन ट्रांसपोर्ट। इनका मैकेनिज्म क्या है? सी हो जाएगा आंसर। ये क्या करती है? इंटरफेरेंस इन माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली। तो जो माइक्रोट्यूबुल होता है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, बीटा ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, ये उससे बाइंड कर जाते हैं और क्या करते हैं, फिर उसका जो पॉलीमराइजेशन होता है ना, इसमें लिखा है ना असेंबली, मतलब जो पॉलीमराइजेशन होता है ना उसको प्रिवेंट कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसमें डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। मिथोट्रिक्सेट है इसमें, पायरीमिथामिन है और एक प्रोग्वेनिल भी होता है। ठीक है, और ट्राइमिथोप्रिम है वो भी है इसमें। तो इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर लेना, PMT बना लेना चाहे। ठीक है, हाँ PMT सही रहेगा, PMT, मिथोट्रिक्सेट, ट्राइमिथोप्रिम, और पी से पायरीमिथामिन और प्रोग्वेनिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइसोनियाजिड इज़ ए प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट। तो आइसोनियाजिड ये क्या होती है? आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होती है आइसोनियाजिड, इसको INH ऐसे भी लिखते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो ये क्या होती है? ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है आइसोनियाजिड। ये तो सारी बात इसके बारे में हो गई। और अब इसमें पूछा क्या है, ये इसके देखते हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं। रिक्वायर्स नायसिन सप्लीमेंटेशन, कोज ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन दैट आर रिवर्सिबल इफ द ड्रग इज़ डिसकॉन्टिन्यूड, इट इज़ ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, तो शुड नेवर बी यूज ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिक पोटेंशियल। तो इसका आइसोनियाजिड जो होती है, इसमें ये नायसिन सप्लीमेंटेशन भी वैसे तो चाहिए, क्योंकि जो ये आइसोनियाजिड होती है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है ना, इसे क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो इसलिए क्या करते हैं इसके साथ, नहीं, नायसिन पायरिडोक्सिन देते हैं, विटामिन B6 देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पायरिडोक्सिन बोलते हैं ना। इसका वो जो विटामिन B6 देते हैं इसके साथ, उसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 तो वैसे गलत हो गया, नायसिन तो B3 होता है ना, तो B3 थोड़ा ना देते हैं, B6 देते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो इसकी B6 की डेफिशिएंसी से होती है, इसलिए इसके साथ B6 देते हैं, नॉट B3। तो ये हमारा ऑप्शन जो 1 है ये तो हो गया गलत, ही तो हो नहीं सकता। इसका ओक्यूलर जो होता है ना, ये इथैम्ब्यूटोल से होता है, इससे नहीं होता। ठीक है, ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक भी नहीं होती, ये जो होती है ना ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D राइट हो जाएगा। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक होती है ये। नेक्स्ट है, जेनसिक्लोविर इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेनसिक्लोविर क्या है, ये एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ते हैं ना उसमें आती है जेनसिक्लोविर। तो ये क्या होती है, एसिक्लोविर जो होती है ना उसका, एसिक्लोविर जो है उसका एनालॉग होता है ये जेनसिक्लोविर जो है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, तो ये याद कर लेना किसमें है, इसका ऑप्शन देख लें पहले, तो इसके ऑप्शन ये आपके सामने, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो साइटोमेगालोवायरस होता है ना, इसमें साइटोमेगालोवायरस में ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो इसको याद रखना, जेनसिक्लोविर साइटोमेगालोवायरस इसमें होती है ड्रग ऑफ चॉइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विटामिन D एनालॉग यूज्ड इन सोरियासिस। तो विटामिन D एनालॉग और जो किसमें, सोरियासिस में यूज़ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, विटामिन D एनालॉग। तो इसको ऑप्शन है कैल्सिट्रायोल,
फेराक्राइलम, रिसोर्सिनोल या टेजरोटीन। तो अगर सोरियासिस देखें तो सोरियासिस में टेजरोटीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे विटामिन डी एनालॉग, तो डी एनालॉग तो है कैल्सीट्रायोल जो होता है ना, इसे कैल्सीपोट्रायोल भी बोलते हैं, तो ये इसमें होता है, सोरियासिस में यूज़ करते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब टेजरोटीन है, ये भी सोरियासिस में यूज़ होती है, ठीक है, याद रखना है। ये जो ड्रग है, और ये टेजरोटीन क्या होती है, प्रोड्रग होती है, ठीक है। टेजरोटीन जो है प्रोड्रग है और टेराटोजेनिक होती है, टी से टेजरोटीन, टी से टेराटोजेनिक, ये टेराटोजेनिक होती है, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। अब हम इसमें से गलत छाटना कौन सा है, हमारे सामने ऑप्शंस हैं, मिथोट्रिक्सेट, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। सही बात है, जो मिथोट्रिक्सेट है ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट भी होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है इसका। एज अ थायोप्रीन, ये इनिबिट करता है एंजाइम थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये बात भी बिल्कुल सही है। एज अ थायोप्रीन जो होता है ये इस एंजाइम को इनिबिट करता है, कौन सा, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ये एज अ थायोप्रीन इनिबिट करता है, याद रखना। लेफ्लुनोमाइड इनिबिट डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंड पिरिमिड सिंथेसिस। तो ये ना लेफ्लुनोमाइड का तो आता भी है कि लेफ्लुनोमाइड होता है ना, कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है, तो ये याद रखना, डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनिबिट करता है, इससे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस वो इनिबिट हो जाती है। तो इसका मतलब तीनों बातें सही है, इसका मतलब चौथी बात ही गलत है। इनफ्लिक्सिमैब इज TNF-alpha स्टिमुलेटर, तो इसमें क्या गलत है, इनफ्लिक्सिमैब क्या है, TNF-alpha इनिबिटर होता है, नॉट अ स्टिमुलेटर, ये क्या है, इनिबिटर है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग है ना, उसके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ते हैं TNF-alpha जो इनिबिटर होते हैं, कौन कौन सी ड्रग होती है उसमें, ये तो एक इनफ्लिक्सिमैब आती है, एक इटानरसेप्ट आती है, इटानरसेप्ट आती है, एक होती है एडालिम्यूमैब। देखो मैं आप लोगों को तीनों बता देती हूँ, एक मिनट, ठीक है। इनफ्लिक्सिमैब हो गया, एक होती है इटानरसेप्ट, एक क्या होती है एडालिम्यूमैब, एडालिम्यूमैब, ये तीन ड्रग होती है इसके जो TNF-alpha इनहिबिटर है। तो एक बार हम ये एंटी रूमेटोइड ड्रग का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें तो पहले तो होता है ना डी मार्ट्स आते हैं, डी मार्ट्स मतलब डी मार्ट्स, डी मार्ट्स का मतलब क्या है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, ठीक है। एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती है जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इनमें कौन कौन सी आती है, इसमें एक तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स आते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स में जैसे मिथोट्रिक्सेट है, एज अ थायोप्रिन होता है और होता है साइक्लोस्पोरिन, ये आते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स में। फिर एक सल्फासालाजीन है इसमें, और ये लेफ्लुनोमाइड भी इसी में आता है, क्लोरोक्विन आती है जिस, और इसमें आते हैं गोल्ड कंपाउंड्स और एनोफिन, ये भी इसी में आते हैं, एक होता है डी पेनिसिलामिन, ठीक है, इसमें ये भी इसमें आता है। तो ये सब होते हैं डी मार्ट्स के अंडर आते हैं। फिर दूसरा जो कैटेगरी होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है ना, इसमें दो कैटेगरी होती है, इसमें एक होते हैं TNF-alpha इनहिबिटर होता है, दूसरा होता है इंटरल्यूकिन वन एंटागोनिस्ट। ये तो कई बार क्वेश्चन आता है, इंटरल्यूकिन वन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, एनाकिनरा, इसका नाम याद रखना है एनाकिनरा, ठीक है। ये क्या है, इंटरल्यूकिन वन एंटागोनिस्ट है, और TNF-alpha इनिबिटर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इनफ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट, एडालिम्यूमैब, ठीक है, IEA या फिर AEI जैसे भी करके इसे याद रखो, तो इसे याद रखना है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो भी इसमें यूज़ होते हैं, तो ये इसके बारे में सारी बातें याद रखनी है, हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट सिफेलोस्पोरिन के बारे में क्वेश्चन है, तो सिफेलोस्पोरिन्स क्या होती हैं, ये इसके ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिफेलोस्पोरिन शोज़ वीकर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो कौन सा सिफेलोस्पोरिन है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वीकर एक्टिविटी शो करता है, हमारे ऑप्शंस कौन कौन सी है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो जो वीकर एक्टिविटी, तो फर्स्ट जनरेशन जो होता है ना वही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव के लिए, तो मतलब ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो ये होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना
उनके अगेंस्ट इनकी वीक एक्टिविटी होती है। तो जैसे कि जैसे हम सिफेलोस्पोर में फर्स्ट से लेके आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जाएंगे ना, तो फर्स्ट पहले वाले तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं, बाकी आगे जाते जाते ग्राम नेगेटिव के लिए वो इफेक्टिव होती हैं। तो सिफेलोस्पोरिंस में इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से हैं उसको याद करने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया सिफा वाले आएंगे, जिसमें ए है ना, सिफा आ रहा है ना, सिफा वाले, तो सिफेलोथीन है, सिफेजोलिन, सिफा से जो बनेंगे ना, सिफेलोथीन, सिफेजोलिन, सिफेलिक्सिन, सिफाराड्रिन और सिफाड्रोक्सिल, ये सब आएंगे इसमें फर्स्ट जनरेशन में। और एक होता है सीफेक्लोर भी होता है, वो भी सिफा से सीफेक्लोर, लेकिन ये सेकंड जनरेशन का है। तो ऐसे याद रखना है कौन कौन सी है। तो ऐसे फर्स्ट जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के भी दो है, फोर्थ जनरेशन में सिर्फ दो ही है, सिफपीम और सिफपीरोम, सिफपीम और सिफपीरोम होता है, सिर्फ पीम और सिर्फ पीरोम, तो इसको हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे हमें एक दो जनरेशन की भी याद होंगी ना, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से, क्योंकि कई बार जैसे पूछ लेते हैं कौन सा सिफेलोस्पोरिन्स है ये, कि फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है या फिर सेकंड जनरेशन में आ रहा है। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन की याद कर सकते हैं हम, फोर्थ जनरेशन की याद कर सकते हैं आसानी से, और सेकेंड जनरेशन में भी दो चार नाम ही हैं, सिफ्यूरोक्सिम है, सिफ्यूरोक्सिम एक्सीटिल होता है, सिफेक्लोर, सिफोक्सिटिन। तो ये अगर हम याद कर लेना तो फिर हमारे क्वेश्चन में आसानी होती है, क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन ए राइट हो गया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड का दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो पढ़ लेना, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में कुछ कुछ बातें जो हमें पता है वो देखो, क्या होती है, बैक्टेरियासाइडल होती है, सबसे पहली बात तो क्या है, बैक्टेरियासाइडल होती है, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होती है, किस पे, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होती है, बैक्टेरियासाइडल होती है। ठीक है, और एक क्या होती है, ये आयनाइज फॉर्म में होती है, तो इसलिए ये जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये ब्रेन या सीएनएस को मतलब उनमें एंटर नहीं कर पाती, कौन सी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है ये। और ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव और एरोबिक, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनके अगेंस्ट एक्टिव होती है, नॉट एनरोब्स, एनरोब्स के अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं होती। तो ये इसके बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है, तो ये सब बातें हैं, ओटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, तो ये सब बातें हमें पता है अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड एक्टिव होते हैं अल्कलाइन पीएच पे, हमें पता है, कैनामाइसिन हैज़ हाइएस्ट नेफ्रोटॉक्सिटी, जेंटामाइसिन इज़ यूज इन मेनिनजाइटिस कोज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन आया भी था पहले कि जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स होती हैं उनके साथ जेंटामाइसिन को यूज़ करते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो मेनिनजाइटिस कोज करते हैं ना, तो उसमें ये यूज़ होती है, तो इनके साथ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन भी यूज़ कर सकते हैं जेंटामाइसिन के साथ, तो ये भी सही है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एक्ट इंट्रा सेलुलरली, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब गलत बात छाटनी है इसमें से, कौन सा गलत है, तो मॉन्टॉक्स यूज इन डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस में मॉन्टॉक्स टेस्ट सभी को पता है, ये सही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी सही है। पायराजिनामाइड इज मोर लिथल टू इंट्रासेलुलर बैसिलाई, ये भी सही है। थायासिटाजोन इज प्रेफर्ड इन एचआईवी पॉजिटिव केस हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, अब यही गलत बात है, क्योंकि जो थायासिटाजोन है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस में तो देते हैं, बट जो एचआईवी पॉजिटिव केस जब होते हैं तो इसको नहीं देते थायासिटाजोन को, ये बात याद रखना। ठीक है, जो एचआईवी पॉजिटिव केस होते हैं उनमें, और उनको अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उनमें थायासिटाजोन को नहीं दिया जाता, तो ये इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इसकी ना ये चारों ही बातें याद हमें याद रखनी है। देखो हमारे एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन हो गए, कि ट्यूबरक्लोसिस में मॉन्टॉक्स टेस्ट है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं किसमें, इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस में, पायराजिनामाइड लीथल, मोर लीथल है इंट्रासेलुलर बैसिलाई के लिए, थायराइड एसिटाजोन इज नॉट गिवन टू एचआईवी पॉजिटिव केस हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, तो ये चारों ही बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन टू द सेल, सेल के अंदर वायरस की एंट्री को कौन सा ड्रग इनिबिट करता है, तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं इसके, तो इसका क्या हो जाएगा, जिडोव्यूडीन, लोपिनावीर, रिटोनावीर, एनफ्यूविटाइड, तो इसमें जो ये एंट्री को इनिबिट करता है, तो इसका ये है एनफ्यूविटाइड, एनफ्यूविटाइड, ये एनफ्यूविटाइड क्या होता है, फ्यूजन इनिबिटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
फ्यूज़न इनहिबिटर भी बोलते हैं हम, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्रेवलर्स डायरिया ट्रीटेड विद, तो इसमें ऑप्शंस हैं सल्फा डायाजीन है, कोट्राइमोक्साजोल, डैप्सोन, पायरीमिथामिन। तो ट्रेवलर्स डायरिया होता है इसके लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। और एक डॉक्सीसाइक्लिन है ना, वो भी यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ करते हैं, और इसमें से है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है, इसके अंदर होता है सल्फा मिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राईमिथोप्रिम होता है, 5:1 में यूज़ होते हैं। मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, और इस क्यों किया, जो बहुत बार चीज़ें डिस्कस हो रही है इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, इसीलिए वो बार बार डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो होती है इसका ये याद रखना, ठीक है, इसमें सल्फा मिथोक्साजोल होता है और ट्राइमिथोप्रिम होता है, और ट्राइमिथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज इनहिबिटर होता है, सल्फोनामाइड जो होती है, और सल्फा मिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इनका टी हाफ होता है, दोनों का सेम सेम होता है, 10 R होता है, तो ये सब बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सल्फोनामाइड किसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए, पाबा, DHFA, DFA, TFA, पैरामिनोबेंजोइक एसिड है ये है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये सब है। तो देखो जो सल्फोनामाइड्स होती है ना, एक बार उसका हम ही अच्छे से देख ही लेते हैं। देखो सल्फोनामाइड्स इसमें शुरू शुरू में क्या है, इसका क्या होता है, टेरिडीन होता है, ठीक है, टेरिडीन होता है, इसके साथ कौन जुड़ता है, पाबा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, इससे क्या बनता है, इससे बनता है डाई हाइड्रो टीरोइक एसिड, डाई हाइड्रो टीरोइक एसिड बनता है। अब एंजाइम कौन सा यूज़ होता है इसमें, इसमें होता है डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज, डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज एंजाइम यूज़ होता है, कौन सा, डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज एंजाइम। अब जो सल्फोनामाइड्स होती हैं वो इस एंजाइम को क्या करती है, इनिबिट करती है, डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज एंजाइम को, इसको डाई हाइड्रो फोलेट सिंथेज एंजाइम भी बोलते हैं, तो है ना अलग अलग लिखा होता है, कई बार लिखा होता है डाई हाइड्रो फोलेट सिंथेज एंजाइम को इनिबिट करती है, कई बार डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज एंजाइम को इनिबिट करती है, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। सल्फोनामाइड्स जो होती है ना, या तो इसको कह लो, इसको कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये डाई हाइड्रो टीरोइट सिंथेज एंजाइम होता है ना, फिर इससे क्या बनता है, डाईहाइड्रोटीरोइक एसिड बनता है। अब डाईहाइड्रोटीरोइक एसिड से क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, कि ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, इसमें क्या ग्लूटामिक एसिड ऐड होता है, और ग्लूटामिक एसिड ऐड होके क्या बनेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से सभी को पता है क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, विच एंजाइम, एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम को इनिबिट करने वाले तो हमने बहुत सारी ड्रग्स पढ़ ली, तो हमारे इसमें होता है ट्राइमिथोप्रिम है, और वैसे इसमें हमने बहुत, मैंने बता रखी है कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो ये सल्फोनामाइड्स का जो है ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया याद रखना, तो ये किसकी सिंथेसिस को, जो सल्फोनामाइड ब्लॉक करे किसकी सिंथेसिस को, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड टॉपिकली, टॉपिकली कौन सी है, सल्फाडोक्सिन, मिथोक्साजोल, सिल्वर सल्फा माइड या डैप्सोन। तो सिल्वर सल्फा माइड होती है, ये यूज़ करते हैं टॉपिकली, जो बर्न्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं सिल्वर सल्फा माइड को, और सल्फा मिथोक्साजोल मैंने आपको बताया था अभी ट्राईमिथोप्रिम के साथ है, सल्फाडोक्सिन होती है इसको मलेरिया में पायरीमिथामिन के साथ, मलेरिया में पायरीमिथामिन के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं, तो ये नाम याद रखनी है एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, कौन सी सल्फोनामाइड है मलेरिया में पायरीमिथामिन के साथ कंबाइन करके यूज़ होगी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इनके सबके याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डैप्सोन, डैप्सोन का क्वेश्चन है, डैप्सोन क्या होता है, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, डायमिनो डाइफ्लाइन सल्फोन डेरिवेटिव होता है डैप्सोन, तो ये जो होता है नॉट मच यूज ड्यू टू टॉक्सिसिटी, इनिबिट फोलेट सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, इसमें क्या पूछा है कौन सा ट्रू है, तो नेक्स्ट है इज़ रिड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू ए सैलिसिलेट, इज़ रिड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू ए सल्फोनामाइड, ठीक है।
तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, ये फोलेट सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो इसको तो इस किस में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये ना इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है डेप्सोन का, तो इसका ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है तो वो इसकी वजह से हो जाएगा, तो इसका है रिड्यूस बाई इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू सैलिसिलेट, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन एंड यूज एज एंटी कैंसर ड्रग, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन है और एंटी कैंसर है, टेमोक्सिफिन, फ्लूटामाइड, इटोपोसाइड, एमिनोग्लूटिथिमाइड, ठीक है, टेमोक्सिफिन, टेरोमेफिन, ये क्या होते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं, ठीक है, और फ्लूटामाइड है, और एक होता है बाइकैल्यूटामाइड, ये फ्लूटामाइड होता है, ये एंटी एंड्रोजन के अंदर आते हैं, क्या एंटी एंड्रोजन है ये भी, लेकिन ये फ्लूटामाइड और बाइकैल्यूटामाइड दो आती है इसमें, स्टीरॉयडल होते हैं लेकिन, ठीक है, इसमें नॉन स्टीरॉयडल पूछा है, इटोपोसाइड है, और एक इसमें इसके साथ होता है टिनोपोसाइड भी होता है, इटोपोसाइड होता है और एक होता है टिनोपोसाइड, ये एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड, तो अब हमारा एमिनोग्लूटिथिमाइड ये होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, नॉन स्टीरोडल एंटी एंड्रोजन पूछा है, तो ये एमिनोग्लूटिथिमाइड जो होता है नॉन स्टीरोडल होता है और एंटी एंड्रोजन होता है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ग्लूटिथिमाइड जो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने पहले, तो ये उसी का ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है एमिनोग्लूटिथिमाइड, तो ये इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये नॉन स्टीरॉयडल है, एंटी एंड्रोजन है, और इसको कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, किसको, एमिनोग्लूटिथिमाइड को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल एल्काइलेटिंग एजेंट, तो फ्री रेडिकल एल्काइलेटिंग एजेंट है कार्मास्टीन, प्रोकार्बाजीन, थायोटिपा, एल्ट्रिटामिन, ये ना एल्ट्रिटामिन ये भी एल्काइलेटिंग एजेंट ही है, मतलब नहीं, मतलब हाँ एक एंटी कैंसर ड्रग ही है ये भी, जो एल्ट्रिटामिन जो है ये नई न्यूअर ड्रग में आती है, तो जो कार्मस्टीन, लोमस्टीन ये भी हमने वैसे तो अल्काइलेटिंग एजेंट में पढ़ा था, कार्मस्टीन, लोमस्टीन जो होता है नाइट्रोसो यूरियाज होते हैं ना उनके अंदर आते हैं कार्मस्टीन, लोमस्टीन, थायोटिपा जो है ये इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और जो प्रोकार्बाजीन, अब देखो एक प्रोकार्बाजीन है एक है डाकार्बाजीन, तो इसमें ना कन्फ्यूज़ नहीं होना, डाकार्बाजीन तो अल्काइलेटिंग एजेंट है और प्रोकार्बाजीन जो मिसलेनियस ड्रग्स में आती है, जो अल्काइलेटिंग जो ये एंटी कैंसर ड्रग होती है ना उसकी मिसलेनियस में आती है प्रोकार्बाजीन, ये क्या होती है, माओ इनिबिटर होती है, ये प्रोकार्बाजीन के बारे में दो बातें हैं इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है ये माओ इनिबिटर होती है, ठीक है, और एक इसकी ना डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होती है, तो ये इसको भी याद रखना, इसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है, और ये एक ये ऐसा सच इनएक्टिव है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, तो हमारा फ्री रेडिकल अल्काइलेटिंग एजेंट, तो इसका आंसर तो ये थायोटिपा दिया हुआ है, ठीक है, वैसे थायोटिपा है पर एक कार्मस्टीन है ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट है, तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, आप लोग देखना इसका आंसर क्या होगा, तो इसका ये थायोटिपा दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ओके, थैंक यू।